ओके सो जिम जाने से पहले हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कैसे आप अपने फेशियल फीचर्स को एनहेंस कर सकते हो, क्योंकि अपेरेंटली आप लोग भी इस टॉपिक के ऊपर बहुत इंटरेस्टेड हो। अभी मैं आपसे वही चीजें शेयर करने वाला हूँ जो मैं हर रोज करता हूँ डेली बेसिस पे, ताकि मेरे फेशियल फीचर्स अच्छे हो सकें। अब देखो, फेशियल फीचर्स को एनहेंस करना एक बॉडी बिल्डिंग की तरह है, तो इसके अंदर भी आपको टाइम तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने बोन स्ट्रक्चर्स को चेंज करना थोड़ा मुश्किल है। एंड आपको कुछ ऐसी हैबिट्स बनानी होगी जो आपको हर रोज फॉलो करनी है, ताकि आपके बोन्स उस हिसाब से एडजस्ट हो सके जिस तरीके से आपको चाहिए। मेरे रूटीन की पहली चीज है चिन टक्स, जिसमें आपको सीधा खड़ा रहना है दीवार के पास एंड अपनी कमर से ऊपर का पूरा हिस्सा आपको दीवार के सहारे रख देना है। वो पोजिशन कुछ इस तरीके से दिखती है। अब ध्यान रखना कि जब आप ये करते हो तब आपको अपने फुट को थोड़ा आगे रखना है, आपके पैर दीवार से थोड़े आगे रहने चाहिए एंड फिर आपके हिप्स, आपके लोअर बैक, अपर बैक एंड फिर नेक एंड हेड का एरिया दीवार के साथ टच होना चाहिए। जब आप इस पोजीशन में आ जाओ उसके बाद आपको अपने चिन को नीचे लाना है, जितना हो सके उतना नीचे लाना है एंड इसमें आपके डबल चिन्स बहुत बनेंगे, जो अच्छी बात है। इससे मेनली आपकी जॉ लाइन या तो फिर आपके चीक बोन्स अच्छे नहीं होने वाले, ये मेनली आपका पोस्चर सुधारने के लिए है। वो दिखने में कुछ इस तरीके का लगेगा। चिन टक्स करते समय जब आप अपने चिन को नीचे लेके जाते हो, तब आप अगर 2 से 3 सेकंड के लिए होल्ड करोगे तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अब हम नॉर्मली अपना फेस थोड़ा आगे की तरफ झुक के रखते हैं एंड हमारा पोस्चर कुछ इस तरीके का लगता है, क्योंकि हम पूरा दिन फोन्स में एंड लैपटॉप्स में बैठे रहते हैं, या तो फिर अगर हम कुछ जॉब करते हैं तो फिर उसमें भी हमारी पोजीशन एक चेयर के ऊपर फिक्स रहती है, जो अच्छा नहीं है ऑब्वियसली। एंड उसी को फिक्स करने के लिए हम ये चिन टक्स करेंगे। ये मैं पर्सनली दिन में 4 बार करता हूँ एंड 4 बार जब भी आप करो तब आपको 10 रिपीटेशंस लगाना है, लाइक ये 1 रिपीटेशन, 2, 3 इस तरीके से। एंड ऐसा आप मिनिमम 2 बार तो कर ही लेना, एक बार मॉर्निंग में, फिर आफ्टरनून में, इवनिंग में एंड नाइट में। इसको करने में लिटरली सिर्फ 1 से 2 मिनट लगती है। फिर आती है च्युइंग गम। इसकी बदौलत मेरे मैसेटर मसल्स अच्छे खासा डेवलप हो रहे हैं। च्युइंग गम खाना मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। पहले भी मैं च्युइंग गम खाता था लेकिन फिर मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे मैसेटर मसल्स कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो रहे हैं एंड मेरा फेशियल फीचर्स कुछ इस तरीके का लगने लग रहा था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो च्युइंग गम की वजह से नहीं हो रहा था, वो जो मशीन में यूज कर रहा था, मशीन तो नहीं, वो कुछ रबर जैसा आता है जो आप अपने मुंह में डालते हो एंड फिर ऐसे अपने दांतों से करते हो, ऐसी कुछ चीज़ें आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस 2 च्युइंग गम लेनी है एंड उसको च्यू करना स्टार्ट कर देना है। आप अगर सिर्फ स्टार्टिंग कर रहे हो इसका, तो फिर आप दिन में 30 मिनट्स के लिए च्यू कर सकते हो एंड फिर च्युइंग गम को अपने पैलेट के ऊपर, पैलेट मतलब आपके मुंह का ऊपर का हिस्सा, उसके ऊपर आपको अपने च्युइंग गम को स्प्रेड कर देना है, जो आपको आता ही होगा। आप अपनी जीभ से स्प्रेड कर देना एंड फिर वो एक इंडिकेटर बन जाएगा म्यूइंग करने के लिए। सो पहले आप आधे घंटे के लिए च्युइंग गम को च्यू करोगे, फिर अपनी टंग से पैलेट के ऊपर च्युइंग गम को स्प्रेड कर देना एंड फिर 1 घंटे के लिए म्यूइंग करना। जब च्युइंग गम आपके पैलेट के ऊपर होती है तब आपको कॉन्स्टेंट इंडिकेटर मिलते रहता है कि आप म्यूइंग नहीं करते हो, इसलिए आपके म्यूइंग का टाइम और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली म्यूइंग एक हैबिट है जो आपको हर रोज हर समय परफॉर्म करनी है, लेकिन सभी चीजों की तरह म्यूइंग अगर आप अभी सिर्फ स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आपको याद नहीं रहेगा कि आपको अपनी जीभ को ऊपर की साइड रखनी है। फिर रात को सोने से पहले मैं जॉ लाइन की एक्सरसाइज करता हूँ, जिसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज है। पहली है ये, जिसमें आपको अपने लोअर लिप्स को नोज तक पहुंचाना होता है कुछ इस तरीके से, जैसे मैसेटर मसल्स बहुत अच्छे से डेवलप होता है। एंड फिर दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपना मुंह पूरी तरीके से खोल देना है, जितना हो सके उतना वाइड खोलना एंड जितना हो सके उतना बड़ा खोलना कुछ इस तरीके से। इससे आपका जो चिन एरिया होगा उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका फेस ज्यादा मैस्कुलिन लगने लगेगा। 2021 में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से मैं ज्यादा इनसिक्योर होने लगा अपने लुक्स के बारे में एंड अपनी फिजिक के बारे में। इनसिक्योरिटीज को लोग बहुत अलग अलग नजरिए से देखते हैं। अगर आप कुछ लोगों को पूछोगे कि आपकी विचार धारणाएं क्या है इनसिक्योरिटीज के ऊपर, तो फिर वो ऐसा बोल सकते हैं कि इनसिक्योरिटीज को हमें एक्सेप्ट कर देना चाहिए ताकि हम फ्यूचर में एंड प्रेजेंट में खुश रह पाए, क्योंकि अगर हम इनसिक्योरिटीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर हम खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए जितनी हो सके उतनी जल्दी हमें उनको
एक्सेप्ट करना सीख लेना चाहिए, जो ऑब्वियसली फालतू की चीज है। फिर दूसरे लोगों को अगर आप पूछोगे कि आपका क्या ओपिनियन है इनसिक्योरिटीज के बारे में, तो फिर वो ऐसा बोल सकते हैं कि हमें इनसिक्योरिटीज को इग्नोर करना सीखना चाहिए ताकि हम उससे अफेक्ट ना हो। अब वो लोग इग्नोर करने की ट्राई करता है क्योंकि जब भी हम इनसिक्योरिटीज को एक्नॉलेज करते हैं तब वो प्रूव करती है कि हम कितने इग्नोरेंट एंड कितने पागल है कि ये सारी चीजें हमारी लाइफ में बुरी हो रही है, लेकिन फिर भी हम इतने कोरेजियस नहीं है कि उसके ऊपर एक्शंस ले पाए, इसीलिए वो लोग इग्नोर करते हैं इनसिक्योरिटीज को। फिर दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो फिक्स करने की ट्राई करते हैं ताकि उन लोगों का फ्यूचर ज्यादा अच्छा बन सके। ऑब्वियसली जब आप इनसिक्योरिटीज को फिक्स करते हो तब आप ज्यादा ह्यूमिलिएटेड फील करते हो क्योंकि आपके लाइफ की जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो आपके सामने पेश हो जाती है एंड आपको उनको कॉन्स्टेंटली देखनी पड़ती है एंड उनमें चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि ऑब्वियसली 5-10 साल बाद आप खुश रह पाओ। लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव खुश रहना नहीं होता हमेशा, क्योंकि जब आप अपनी इनसिक्योरिटीज के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हो तब आपको अपने आप के ऊपर प्राउड फील होता है। अब आपने अगर मेरी पुरानी फोटो देखी होगी तो आपको पता होगा कि लाइक जब मैं वो फेस देखता हूँ तब मैं भी ये बोल सकता हूँ कि मैं अपना ख्याल नहीं रखता, मैं अपनी बॉडी देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये बंदा अपने हेल्थ के बारे में इतना कॉन्शियस नहीं है। जब हम अपनी इनसिक्योरिटीज को एक्नॉलेज करना स्टार्ट करते हैं एंड अपने आप को बेहतर बनाने की ट्राई करते हैं ताकि हमें फ्यूचर में वो वापस से इनसिक्योरिटीज को फेस ना करना पड़े, तब हम एक्चुअल में ग्रो कर रहे होते हैं। अगर हम अपनी इनसिक्योरिटीज को ही इग्नोर करेंगे या तो फिर एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर हम ट्रूली अपने आप को ग्रो कैसे करेंगे। टू बी ऑनेस्ट मुझे अपनी इनसिक्योरिटीज बहुत पसंद है क्योंकि इन्हीं की वजह से मैं बहुत जल्दी ग्रो हो पा रहा हूँ। अब जितनी बड़ी आपकी इनसिक्योरिटी होगी उतनी ही जल्दी आप ग्रो करोगे। अगर आप अपने फेस के बारे में कुछ ज़्यादा ही सेल्फ कॉन्शियस हो तो फिर आप वो सारे एक्शंस लेना स्टार्ट कर दोगे जो भी नेसेसरी है आपके लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए। एंड जब आप उन एक्शंस को लंबे टाइम फ्रेम के लिए परफॉर्म करते हो तो फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलता है। एंड उन रिजल्ट्स को देखने के बाद जब आप पीछे देखोगे 4-5 साल पहले कि आप कैसे दिखते थे एंड अब कैसे दिखते हो, तो फिर वो जो फीलिंग आती है वो बहुत अच्छी होती है, हैप्पीनेस। इसीलिए हमें हमेशा खुश रहने के पीछे नहीं भागना चाहिए, कभी कभी हमें एक्नॉलेज करना पड़ता है कि सिर्फ अगर हम अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ठीक करने लगेंगे तो फिर हम अपने फ्यूचर में कितना प्राउड फील कर सकते हैं। बाय द वे अभी मैं प्री वर्कआउट में ओटमील बना रहा हूँ एज ऑलवेज, एंड इसके अंदर अभी मैंने वे प्रोटीन PR डाला है मसल बेस का। इसकी एक स्कूप के अंदर आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है जो नॉर्मल स्कूप से ज़्यादा है। एंड इसके पास एक चीट कोड है, मान लो कि आप दिन में 2 स्कूप वे प्रोटीन लेते हो तो फिर आपको अलग से क्रिएटिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसकी 1 स्कूप के अंदर आपको 3 ग्राम क्रिएटिन मिलता है। सो अगर आप 2 स्कूप लोगे तो फिर आप 6 ग्राम क्रिएटिन कंप्लीट कर दोगे अपने आप का, जो सफिशियंट है हर किसी के लिए। एंड ट्रस्ट मी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, स्पेशली अगर आप दूध में या तो फिर मेरी तरह ओट मील बनाओगे तो फिर इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। मैं हमेशा चॉकलेट फ्लेवर ही यूज़ करता हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। अगर आपको ये मसल ब्लेज का बायोजाइम परफॉर्मेंस वे PR ट्राई करना हो तो फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए आप प्रेम MB कोड यूज़ कर सकते हो। बाय द वे आज पुश डे है एंड आज का पंप बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि मैंने रात को सोने से पहले अपना वेट मेजर कर लिया था जो एकदम प्रॉपर था, 74.5 kg था। आज सुबह का वेट अराउंड 73.6 kg था जो रिप्रेजेंट करता है कि मेरी बॉडी पीक फॉर्म में है। बॉडी तो नहीं बोल सकता लेकिन एटलीस्ट मेरा बॉडी फैट परसेंटेज एक परफेक्ट स्टेज पे है। अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि मेरी चेस्ट रिकवर ऑलमोस्ट हो चुकी है एंड अब मैं अपना चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट भी ठीक से लगा रहा हूँ। पिछली बार हमने 22.5 kg के डंबल्स से इंक्लाइन डंबल प्रेस की थी एंड हमने अपनी लिमिट थोड़ी सी टच करने की ट्राई की थी, लेकिन आज हम लोग 25 kg के डंबल्स से इंक्लाइन डंबल प्रेस लगाएंगे एंड अपने लिमिट्स को थोड़ा और ज़्यादा अच्छी तरीके से टच करने की ट्राई करेंगे, विच मीन्स हम लोग फेलियर के थोड़ा ज्यादा नजदीक जा सकते हैं एंड उसके रिजल्ट में हम लोगों को एक बहुत अच्छा पंप फील होने वाला है।
But you ain't.